दोस्तों, अमीर बनने के कई ज्यादा मेथड्स हैं, लेकिन सारे मेथड्स में से एक चीज कॉमन है, इन्वेस्टिंग। अगर आप अपनी लाइफ में फिजूल खर्च कम और इन्वेस्टिंग ज्यादा करने लग गए तो आने वाले कुछ टाइम में आपके पास मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेस होंगे। अब इन्वेस्टिंग बहुत तरह की होती है, जैसे कुछ लोग अपने पैसे ब्याज पे लगा देते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग पैसे ले तो जाते हैं लेकिन वापिस रिटर्न नहीं करते हैं। उसके बाद है बैंक में एफडी। दोस्तों, एफडी अभी के टाइम पे एक सेफ इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ज्यादा नहीं मिलता है। एफडी के बाद आता है लैंड इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट सेफ भी है और इसमें अच्छा रिटर्न भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है। अब दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का एक तरीका और है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा फंड की नीड भी नहीं होती है और आप यहाँ पे अच्छा रिटर्न भी निकाल सकते हो, वो है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। दोस्तों, अब शेयर मार्केट का नाम सुनते ही लोगों के माइंड में सबसे पहला ये मिथ आता है कि ये एक सट्टा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के रिलेटेड लोगों के माइंड में कुछ मिथ हैं उनको क्लियर करूंगा और स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मिथ नंबर वन, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इजेंटियली मच लाइक गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक गैम्बलिंग है। अगर आप किसी से भी स्टॉक मार्केट के बारे में बात करोगे तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये एक गैम्बलिंग है या फिर एक सट्टा है। अब जो लोग ये बोलते हैं उनको भी बचपन से ये गलत एडवाइस मिली है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक गैम्बलिंग है। और दोस्तों, हम इंसानों की फितरत में किसी भी इंसान पे भरोसा करना एक आम बात है। लोग स्टॉक मार्केट की कुछ स्टोरीज जिनमें बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं उनके बेस पे स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग बता देते हैं। तो चलो गैम्बलिंग को थोड़ा डीप से समझते हैं। गैम्बलिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें आप आपके लक की वजह से जीतते हो या फिर आपके बैड लक की वजह से हार जाते हो, उसे गैम्बलिंग कहते हैं। अब गैम्बलिंग को स्टॉक मार्केट से कनेक्ट करते हैं। आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी लालच में आकर, वो भी बिना नॉलेज के, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो भी प्रॉपर नॉलेज के साथ, तो आप एक बिजनेस कर रहे हो। और दोस्तों, अगर आप इसकी नॉलेज लेकर इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपके मन में कभी लालच नहीं आएगा और आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसे कमाओगे। तो आपके माइंड में ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आप गैम्बलिंग नहीं, बिजनेस कर रहे हो। अब आता है मिथ नंबर टू, द स्टॉक मार्केट इज एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपर्ट। स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक्सपर्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, लोग स्टॉक मार्केट को देखते ही डर जाते हैं और अपने मन में ये सोचते हैं कि ये एक्सपर्ट का गेम है। लोगों की क्या बात करें, मैं खुद यही सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कर सकता हूँ तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। इसमें बिगनर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक्सपर्ट बनने के लिए बिगनर भी बनना पड़ता है। बट अगर आप बिगनर हो और आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियली आप छोटे अमाउंट से ही स्टार्ट करना। आप एवरेज 10K से स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं मिथ नंबर थ्री की, यू कैन ओनली मेक मनी बाय इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। आप स्टॉक मार्केट से तभी पैसा कमा सकते हो जब आपके पास बहुत सारे पैसे हो इन्वेस्ट करने के लिए। अब ये मिथ भी बहुत भारी है लोगों में कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, ये चीज एकदम सही है कि ज्यादा पैसा लगाने पे ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर आप इस चीज को नोट करो कि कितने परसेंट रिटर्न मिलता है तो वो दोनों में सेम होता है। जैसे मान लो कि एक अमीर आदमी ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किए और मंथ की एंडिंग तक उसे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब इसका रिटर्न देखें तो 10% होता है और आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आपने मंथ की एंडिंग तक 1,000 रुपए कमाए। अब अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करते हो तो आपको रिटर्न भी 10% आता है। तो दोस्तों, ये एक मिथ है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ अमीर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल को देखा हो तो दोनों में एक ही तरह का रिटर्न आया है, 10% का। तो आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब ये तो हो गई मिथ की बात, अब स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये चीज क्लियर करते हैं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे कंपनीज के शेयर्स का एक्सचेंज होता है।
दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि शेयर क्या होता है। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तब हमें उस कंपनी में पार्टनरशिप मिल जाती है। पार्टनरशिप कितने परसेंट की है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास उस कंपनी के कितने शेयर्स हैं, यानी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। अब शेयर मार्केट में आप शेयर कैसे बाय और सेल कर सकते हो? आपने NSE और BSE का नाम तो सुना ही होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक मार्केट की बड़ी कंपनीज है जिनसे आप शेयर्स को खरीद या बेच सकते हो। स्टॉक मार्केट में इनके अलावा भी कुछ कंपनीज हैं जिनसे आप शेयर को खरीद या बेच सकते हो, लेकिन नॉर्मली सबसे ज्यादा शेयर्स का एक्सचेंज NSE और BSE से होता है। अब बात करते हैं हाउ कैन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हो? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चार चीजों की नीड है। नंबर 1 बैंक अकाउंट, नंबर 2 डीमैट अकाउंट, नंबर 3 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 4 नॉलेज। सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं, बैंक अकाउंट। दोस्तों आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें नेट बैंकिंग एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाते वक्त 6th मंथ की बैंक स्टेटमेंट की नीड होगी। अब आते हैं नंबर 2 और नंबर 3 पे, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट वो होते हैं जिसमें आप कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हो। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से आप शेयर्स को खरीद या बेच सकते हो, और डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स स्टोर रखते हैं ताकि उनकी प्राइस बढ़ने पर आप उन्हें बेच सकते हो। अब बात आती है कि आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हो। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करवाने की लिंक दे रखी है। आप उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसके आगे आने वाली स्टेप्स को कंप्लीट करना। जब आप सारी स्टेप्स कंप्लीट कर लोगे तब आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, और 24 to 48 hours के बीच में वो वेरीफाई हो जाएगा और आपके ईमेल या फिर आपके मोबाइल नंबर पे आपके डीमैट अकाउंट के ID पासवर्ड आ जाएंगे। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब लास्ट स्टेप है नॉलेज। आपने डीमैट अकाउंट तो ओपन करवा लिया, लेकिन अब बात आती है कि आपको इन्वेस्टिंग की और ट्रेडिंग की नॉलेज कैसे मिलेगी, तो उसके लिए हम हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं, और 24 आवर्स के अंदर अंदर हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे, या तो व्हाट्सएप पे या फिर डायरेक्ट कॉल पे, और उसके बाद आपको हर चीज सिखाएंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज या ट्विटर को फॉलो करोगे तो भी आपको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। तो चलो अब आप हमें इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर लें ताकि आपको जीरो से हीरो तक की सारी नॉलेज मिल सके। थैंक यू।